Hello students, welcome back to Step by Step Study. I'm Swati and I welcome you all to your channel that is Step by Step Study. So today's video is going to be very important for you all because in today's video we are going to introduce you to one of the SSC CGL 2019 candidate जो अपनी statistics की preparation strategy आप सभी के साथ share करेंगे. So he was one of the JSA toppers in the last year exams. So now over to Rajit sir, he will guide you more. Hello everyone, so I am Rajit. Thank you so much ma'am. So today we have with us Nirmal Kumar Gaurav, and jaisa aap apni screens pe dekh sakte hain, ye hai unka score card. So he has not just scored brilliantly well in statistics jisme he scored 137.5, but quants and english mein bhi unka score kafi zyada acha raha tha. So he had AIR 1 in one of the surveys conducted by qmaths.in. So before we start with the questions, congratulations Nirmal, itne acche performance ke liye. So first question from our side would be ki aapne kitne hours is preparation ke liye devote kiye the, and maths, stats and english mein how did you manage to divide your time? थैंक यू वेरी मच सर. स्टार्टिंग में मुझे यही कन्फ्यूज़न था कि क्या मैं मैथ्स, इंग्लिश और स्टैट्स को एक साथ मैनेज कर पाऊँगा या नहीं. लेकिन स्टैट्स का सिलेबस बहुत ही छोटा और लिमिटेड है. इसमें 12 चैप्टर्स हैं जिसमें से 9 से 10 चैप्टर मुझे बहुत ही आसान लगे थे. अगर हम 40 दिनों तक स्टैट्स को 2 से 2.5 घंटे तक पढ़े तो इसके मैक्सिमम पार्ट पर हम अच्छा कमांड पा सकते हैं. मेंस प्रिपरेशन के दौरान मैं 10 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर रहा था जिसमें से कि मैं 5 घंटे मैथ्स को देता था और बचे हुए 5 घंटे में 2.5 घंटे इंग्लिश और 2.5 घंटे स्टैट्स को देता था अप्रॉक्सीमेटली. लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिससे कि JSO को ही फोकस किया है, चाहे उसकी मैथ्स इंग्लिश वीक हो या फिर वो ओवर एज हो, तो वो स्टैट्स के पोर्शन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकता है और मैथ्स में थोड़ा कम भी दे सकता है. ओके, सो व्हाट वाज योर अप्रोच लाइक, सिंस आई नो कि यू वर नॉट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड. सर सबसे पहले मैंने चैप्टर वाइज वेटेज को देखा. इसमें हर चैप्टर से लगभग 8 से 10 सवाल होते हैं, लेकिन शुरुआत के 6 चैप्टर थोड़े आसान और कम टाइम टेकिंग हैं. तो सबसे पहले मैंने उन आसान टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया और डिफिकल्ट टॉपिक्स पर उतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. जैसे हम कलेक्शन ऑफ डाटा को 2 से 3 घंटे में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस मुझे लगा कि मैं 20 घंटे में भी उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाऊंगा. वो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था. इसलिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ईजी और मॉडरेट चैप्टर्स पर होना चाहिए. हम वहाँ से भी आसानी से 130-140 क्रॉस कर सकते हैं. और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में हमें केवल प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट रिपीटेड पैटर्न को ही अच्छे से देखना चाहिए. मेरे लिए स्टैट्स बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट था, तो मैंने इसके सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाए और सभी फॉर्मूले को एक जगह नोट कर लिया अच्छे से. और मैं इनकी मल्टीपल रिवीजन किया करता था, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में हमें कोई फॉर्मूला याद ही नहीं आएगा. तैयारी में मैंने 2 पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो किया. पहला, जो चैप्टर्स मुझे बहुत परेशान कर रहे थे मैंने उन पर बहुत टाइम ना देकर मैंने वो टाइम मैथ्स और इंग्लिश को दिया. और दूसरा कि प्रीवियस ईयर पर एक अच्छा कमांड मैंने बनाया. इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा. वेरी वेल सेड एंड एक्सप्लेन्ड. सो what all books and content did you refer to जब आप prepare कर रहे थे इस exam के लिए? सर मैंने थ्योरी के लिए तमिलनाडु बोर्ड की 11th एंड 12th की स्टैट्स बुक पढ़ी थी. उसमें काफ़ी बेसिक तरीके से चैप्टर को समझाया गया है. अगर किसी बच्चे को तमिलनाडु बोर्ड की किताब से दिक्कत हो रही है तो वो आर गुप्ता की बुक भी पढ़ सकता है. वहाँ भी थ्योरी अच्छे से दी गई है एवं चैप्टर के एंड में एक समरी भी दी गई है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. इसके अलावा मैंने आपके यूट्यूब चैनल के फ्री लेक्चर्स को रेगुलर फॉलो किया जिसने मेरा कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत हेल्प किया.
क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिपेंडेंट रहा और स्कोर को बढ़ाने के लिए प्रीवियस ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। फाइव ईयर सॉल्यूशन को हमें बहुत ही अच्छे से कवर करके जाना है। हम ये किसी भी सोर्स से कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि मुझे वीडियो सॉल्यूशन चाहिए थे तो इसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप स्टडी का ही खरीदा था। आप कहीं से भी इसे कवर कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रीवियस ईयर पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। आप इन सोर्स से अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। सीजीएल 2020 मेंस के सभी एस्पायरेंट्स को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। आई एम श्योर कि इस स्ट्रैटेजी से एंड इन टिप्स से जो भी एस्पिरेंट्स इस ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे विल बी बेनिफिटेड एंड आई एम श्योर दे विल क्लियर द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू सो मच अगेन।